The BJP is now slamming Kejriwal for shielding Bibab Kumar. Kejriwal seems to be distracting and not answering the questions exactly why was Bibab Kumar involved and why is Arvind Kejriwal victim shaming Swati Maliwal and not standing with her at this point in time. These are the questions that are now being raised by the BJP. देखिए पहले करेंगे भ्रष्टाचार फिर उसके बाद करेंगे दुराचार उसके बाद लगातार दुष्प्रचार और अब अरविंद केजरीवाल का इमोशनल अत्याचार परंतु अरविंद केजरीवाल जी इमोशनल अत्याचार के बदले स्पष्ट सवालों का स्पष्ट जवाब देते हैं। आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि विभव कुमार जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं उसको आप संरक्षण क्यों दे रहे थे। लखनऊ भी साथ ले गए सीएम के एस्कॉर्ट में भी ले गए और वो पाया जाता है सीएम के निवास पर। दूसरी बात संजय सिंह जी ने जो पहली प्रेस वार्ता की थी तब तो कहा था कि हमारी महिला सांसद के साथ विभव कुमार ने अभद्रता की थी वो सही था या 72 घंटे बाद जो यूटर्न आपने किया है और जिस प्रकार के कैरेक्टर असैसिनेशन और विक्टिम शेमिंग वाले बयान लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से आ रहे हैं कह रहे हैं कि लंगड़ा नहीं रही है इसके कपड़े फटे नहीं है ये पीड़ित नहीं हो सकती ये सही है कौन सा वर्जन सही है आप ही तय करके बताइए। तीसरी बात अरविंद केजरीवाल जी आप क्यों घबराते हैं इस पूरे विषय पर आपकी चुप्पी क्यों है क्या विभव कुमार के पास कोई ऐसे रहस्य है कोई ऐसे राज है आपके बारे में कि आप अपना वक्तव्य नहीं दे पा रहे आप उसे संरक्षण दे रहे हैं। वैसे तो इस मुद्दे पर आपको प्रखर होकर बोलना चाहिए था निर्भया आंदोलन में आम आदमी पार्टी का क्या रुख होता था और आज जिस प्रकार का रुख अपना रहे ये तो महिला विरोधी और किस प्रकार से एंटी औरत पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी इसका एक और परिचायक है। परंतु सवाल ये भी बनता है अरविंद केजरीवाल जी कि आप वंदना सिंह का जवाब दीजिए। वंदना सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बोलना बंद कीजिए और जो वेल हियर इज द बीजेपी नाउ रेफरिंग टू द आम आदमी पार्टी एज एंटी औरत पार्टी।